નર્મદા જિલ્લામાં રક્તદાન વિશે લોકજાગૃતિ કેળવવાની સાથે સાથે રક્તદાતાઓની માહિતી એકત્ર કરી એક ડેટાબેઝ તૈયાર કરવાના ભાગરૂપે રક્તદાન સંકલ્પ અભિયાનનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. રક્તદાનનો ફોબિયા દૂર કરવા માટે વહીવટીતંત્ર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલ રક્તદાન સંકલ્પ અભિયાન સમગ્ર જિલ્લામાં જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ડોક્ટર જિન્સી વિલિયમના માર્ગદર્શન હેઠળ ચાલશે. इसमें 18-60 एज ग्रुप वाले लोग जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट का ही है उनको टारगेट कर रहा है. इसलिए हम अभी कलेक्ट्रेट में और डिस्ट्रिक्ट पंचायत में पहले लेकर फिर गांवों में भी फरकर हम ये फॉर्म भरवा रहा है कि वो रक्तदान का जो उपयोगी है वो समझते हैं और इसलिए वो आगे फ्यूचर में रक्तदान करने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे. इस तरह का एक संकल्प हम ले रहा है. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भी जो लोकल नर्मदा के विजिटर्स है उनसे भी हमें संकल्प लेने का कोशिश कर रहा है. इसका मेन रीजन ऐसा है कि जो ट्राइबल बेल्ट है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट का वहां पर तो पूरे लोग रक्तदान करने से वो डरते हैं. तो इस हिसाब से जो उनके मन में जो गलतफहमी हो रक्तदान का वो सब दूर हो जाए इसलिए हमने पूरे पैम्फलेट जो इन्फॉर्मेशन सहित हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है. और अच्छी तरह से जब उनको समझ में आते हैं कि ये रक्तदान करने से डोनर को और जो मिलने वाले को दोनों को ही फायदा है तो इस हिसाब से हम माहिती उनको प्रमोट करने के लिए कोशिश कर रहा है. Okay. जिला में जो प्रेग्नेंट वुमन है यूजुअली वो कहीं पर भी लास्ट स्टेज तक मतलब लास्ट ट्राइमेस्टर में डिलीवरी तक वो काम करते हैं. यूजली देखा जाए तो ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन. तो उसमें भी ऐसा देखा जाए तो मैल नरिशमेंट का भी बहुत इश्यूज है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में और खास करकर अनीमिया और सिकल सेल अनीमिया भी यहां पर प्रिवेलेंट है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में. तो अगर देखा जाए कि लास्ट मिनट में जब उनको ब्लड की जरूरत है या फिर पोस्टमार्टम हेमरेज जब होता है तब उनको डेडियापाड़ा सागबारा साइड से अगर नांदो शिफ्ट किया जाए या फिर वडोदरा शिफ्ट किया जाए तो ये देखा जाता है कि ब्लड की कमी से या तो उनका मौत हो जाता है या फिर कॉम्प्लिकेशंस में चली जाती है. तो ये भी अटकावा माटे ब्लड डोनेशन बहुत खूब महत्वपूर्ण है.